दर्शक लोग जैसे देखत हुआ जहाँ जीते देखत हुआ जीते ऐसे है इलाके लाई है प्याज है ये सब जो लेग्यूम फे है हियाँ रोपल जला है जहाँ जो परिवार में आल है जा हियाँ हियाँ वन जा मुकराम और बुधू परिवार में ये लोग सब अपने भाई बहन अपन परिवार लोग ये सब रोपे लन जा और एकर मांग बहुत है हियाँ लोग के गांव के आसपास लोग बहुत लोग आवेल जा के लिए। तो आज हमने यही पर बतियाओ जाके कैसे वो लोग ये रोपे लन जा और बिया कैसे निकाल के खुद ये ऐसा कारोबार करे लन जा। तो यही पर आज हमने माथे के मोर प्रोग्राम प्रस्तुत करब जा। तो विजय बुधू जी आप देखत हैं प्याज जो है वो बनावत हुआ सफा करत हुआ का करब तब अभी बना के यहाँ धोवे के तो धो के छह जाके छोड़े के यहाँ शिमला मौके बुझी तब बाज वाले गेम है उलेबेला ओकर है कुमानवा तो रोज ये कमवा करेला। हाँ रोज कही कमवा रोज के तो कितना एक दिन में कितना लीबर ऐसे प्याज बना के बेचेला एगो तौत लीब ले रोज के अब तौत कांत दी वैसे रोज के। हाँ खाली बाजार में जाला कि और कहूँ पर बिक्री हुई ला सब कुमान भर और कहूँ दे दे ला हम बोला के दे ला हम होने बाईस नाक लोग के लाके जो है लाके लाए लेबन सा लामा सब लेबन सा कुछ मिलू सब लोग होने निकल गई ला। विजय जी बोला रोज आवे ला तू हियाँ बेच तो बु हाँ रोज आएगा यहाँ पर काम करे कुछ हमारे भाई लोग यहाँ रहला तीन को वो लोगों का रूम हम काम कर रहे हमारे यहाँ पर पवा हमारे यहाँ अपन यहाँ पर लेकिन रुपये हमारे कुमान ला के जो ला के लाए लामा कुछ मिली बा जीते बा पी एस सी बा पाको बा सिलेरी बा पीमा बा तू रहे ला बोला भी बना के से रोज आवे ला। अब हाँ रोज आएगा लो तुम्हें और ये कमवा जो था देखे ला ये कमवा में पोफी है जैसे। हाँ कमवा में पोफी है से मैं ढेर काम करे के पड़ेला साल ने काम करे के पड़ा फजी कैला सीजनमी आयला सीजनमी या सिरकेला रोज पाक है जी मौसम के काम कैला। हाँ मतलब कि वो फुल टाइम है। हाँ फुल टाइम दूसरे तो काम कला पहुँचू। हाँ जय जी है जो कमवा कर रखा इमें तोरा सहयोग मिलेला परिवार के आवेलन जा सब संगे काम करे के सहायता करे लन जा। हाँ मैडम आवेला तीन दिन लामे जो हम के आवेला करे लोग काम करे लामे जो हमारा तीन दिन और लड़का लोग जो अभी पढ़ रहे एगो यूनिवर्सिटी करता एगो लुतिल में काम कला एगो छोकरी बा वो पढ़ रहा अभी। हाँ अभी वो लोग उतना नहीं है रुचि अभी छोटा मन जो यूनिवर्सिटी करता तो आज मिलाने करता एगो लुतिल में काम करता देशों हेल बात है छोकरी भाई पढ़ा था फमका देवा और मेहनत कर बता तोरा अच्छा है नम लड़का लोग के पढ़ाई के समय तोरा मिली सब काम नहीं बना हमारा दूसरा काम नहीं बा भाई हम बाप भाई काम कर था तो हम ही हाई में घुस गए सब प्रताशो में दूसरा काम नहीं बा। तो मतलब तोहर तीन गो भाई हियाँ रहे लंजा और तू हुआ हम बाप जहाँ बाप रहा था बुना के तो हम हुए लगे नहीं तो हम भाई लोग हियाँ रहा सभी अब हम हियाँ आएला हमारे पवा भाई हमारे हियाँ के मन लेकिन कहला Thank you.
हमने के साथ विनय जी हवन। विनय जी बताओ कहाँ रोप ले बा? अभी बैंगन प्लांट ले हैं, बैंगन, पीमा, लामोट, सेलेरी और लहसुन, लहसुन भी कबार थे और ये है हर बड़ी सही प्लांटीला लामोट बैंगन से है ये प्लांटीला। पांच गो भाई में से तू बताओ? हम डीजेम हैं, डीजेम तो सब लोग है ये कमवा करे लंचा। जब लिकोल आसनी तो हम बाप संगे काम करते नहीं, लिकोल छोई तो हम बाप संगे काम करते नहीं, हबीले कमवा हुई थे वाह। जैसे सब भाई लोग जीते हैं सब लेकिन फेंक कर लेना चाहते। तू बैगन कैसे? हाँ तो सबको जो लेकिन फेंक ही था नहीं छावा ना तो हम बोए थे मिलाज ये वो लाके आए थे। हम जब बैगन प्लांट है हर बार बैगन प्लांट ला पीमा लामोट और लहसुन। लहसुन बोला था अभी अभी रोपल गवा है कबारत है अब कबारत है अगर दिन बा कबारे के तो कब रोप ले रहा? अप्रैल अप्रैल में मैं सही प्लांट दे के और है जो बोला था मुटका है मुटका लहसुन मोटा बैसेला बैसेला मुटका बिया के निकाली ला और ये लागे छोटकन तेनी काट के मरसल के दे दिला बिचाला। तो कौन जस्सी मांग बा हो मुटका लहसुन के की जो छोटा छोटा हुए ला? नहीं लोकल ढेर मुटका घुस नहीं है तेन छोटे है तो उसमें क्यों जल लहसुना बारह बारह निकाली ला बिया के और ये जो बा तेन छोटा वो सब काट के बेची ला। और उकर पत्ता का करेला तो पतवा जब कबाई था तनी सुखा जाला तो वो बिक दिला काट के नेक्स्ट वर्ष भी कर देना। और ढेर कोई है पत्ता निकाल के उसे भी अचार डाले लन जा। हाँ तो पतवा जब तनी हरिया रही तो वो सब अचार डाले जब बिया के जब छोड़ दे अब तो अगर पत्ता में जब सुखा जाला नहीं अच्छा होता। और तोहर कहाँ पर बिक्री करेला कहाँ पर सब बेचेला? हम यहाँ आलन से मैडम लोग के थी मरसा लोग यहाँ थोड़ा बेचेला और ये थोड़ा मरसा के जो बेचला था वो संगे दे दिला और ये आधा बिया रखिला। हाँ और एक अलावा और दूसरा काम नहीं है ये काम हुआ में तो लोग रहे है ये काम है ये में प्लांटिला था कबाए सा इसने है ये काम करीला और अच्छा से जीवन चल जाला ना इसे। हाँ अच्छा से चल जाला ये काम होला। लड़का लोग भी लोग सहायता करने जा लड़का लोग बड़का बेटा लामे देवेला
मैडम के बोलामे देवे ला और वो लोग अपन काम कर लेन सर। दर्शक लोग हमनी हमेशा हमनी इ प्रोग्राम में कुछ ना कुछ आप लोग के नया चीज बतावे ला जा। तो आज हमनी आप लोग के गो जवान से मिलावब जा, वो एगो शेफ हवन और 7 बरिस साउथ अफ्रीका में वो पढ़ाई कर लन और बहुत जानकारी बा उनकर, मतलब कि जाने लन बहुत कुछ और हमनी के आज बतायन जीते जो सैलरी जो है हमनी के स्वास्थ्य पर कैसे असर करेला हमनी के बतलायन। तो मिलावब जा आप लोग के कविश से। कविश जमा उन फैले चुद कुते कुलिनेर नू पे कुछ लोग रोमारे अविक जुते qui vous pouvez dire qui l'effet il fait dans nous la santé. Bon, une petite anecdote le romarin avec du thym. Dans Rome, ban romain, ban guerrier. Avant, je suis servi pour ce ban guérison, pour ce ban blessure, tout ça quand je suis à la guerre. Et même dans Kavish Bolatwan qui Rome mein jab yodha log yudh mein jal rahe the ja tab वो लोग घाव लगे तो रोमारे प्रयोग कर रहे जा घाव के अच्छा करे के। इटाली में जब भोजन पकेला जैसे है लासुस है पास्ता है लापात है तो उमें रोमारे और जीते के बहुत प्रयोग करे लंजा। मॉरिशस में भी बहुत तरकारी में जैसे आनियो है पुले है यानी मुर्गी के तरकारी में भी बहुत डालल जला रोमारे और साथ साथ ये बहुत अच्छा हमने के स्वास्थ्य के लिए हमने के डाइजेशन यानी पाचन शक्ति के बढ़ावेला और एंटीबॉडी की तरह कीटाणु के नाश करेला। सेलेरी भी बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है और ये में पानी और बहुत रस है और इके सकब बिना पकावे भी सकब जा खाए। लामा जुन है जैसे पुदीना है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये सलाद में सकेला डाले ये बहुत काफ़ी शीशा है और गर्म के मौसम में बहुत ठंडक पहुँचावेला। मॉरिशस में बहुत प्यासी बा लेकिन प्यासी जो है बाहर के देश में जैसे मेडिटेरेनियन में एगो बहुत अच्छा सलाद बनावे ला जा जेकर नाम है ताबूले। लेकिन मॉरिशस में दिखेला जा लोग लीची के सलाद बनावे ला जा। यहाँ हम सकब बोले प्यासी जो है एक भी बहुत अच्छा सलाद सकबा जा बनावे। प्यासी के पत्ता में सकबा जा प्याज डाले, टमाटर डाले, उमें थोड़ा विनेग और ओलिव ऑयल डालने बजा तो बहुत अच्छा सलाद इसे सकेला बने। प्याज के पत्ता बहुत तरकारी में मॉरिशस में ये डालल जला, सब तरकारी में कर प्रयोग होवेला। और एगो बात है हमारे घरे लिखेला हमार चाची हमार माँ लोग जब तरकारी छोंके लन जा तब लहसुन जो है लापात लाए जो है जैसे वजह लहसुन के कूच के वो लोग जब छोंके समय डाले लन जा और ये पकते पकते उनका जो ब्याफे है वो सब नाश हो जाला। तो हम बोले चाहते हैं जब तरकारी पकेबा जा जब तरकारी पक गल तो 2-3 मिनट के उतारे से पहले सकबा जा लहसुन जो है पिसल लहसुन वो सकबा जा तरकारी में डाले ताकि उकर जो गुण है जो ब्याफे है वो नाश न हो। तो दर्शक लोग हमने के प्रोग्राम में हमेशा की तरह फागे के अधिकारी हमने के कुछ न कुछ बतावे लन जानकारी देवे लन। तो चला जा मिलब जा नंद किशोर प्रताप जी से। तो सब दर्शक के नमस्कार और आदाब। तो गत सप्ताह हमने के प्रोग्राम माटी के मोल कहाँ से हो रहा बेजिटोंबो में। बेजिटोंबो गरंजा कौन परिवार बुधू और मुकराम परिवार। तो मुकराम परिवार देख लीजा बतिया दिलन जा तो लोग बोलन जा कौन ची रोपाई करे लन जा। पर हैजा कौन चीज देखत है जा बेजिटोंबे में जब घर अली जा तो एक परिवार बुधू भाई बहन हो जा। पर अब एगो चीज बोला हमारे जो कलम बा नीला है, नीला है एक नीला है लिखब जाता नीला लिखी लाल नहीं लिखी। पर हौजा जब बेजिटोंबो गई जा हौजा एक ही माटी बा 3 बीघा माटी। पर वो लोग सब जो भाई हो जा और बहन
उही में उ लोग का करे लन जा रोपाई करे लन जा यही बात है जा एक ही माटी एक ही परिवार और एक चीज एक ही समय में का होला हो जा जब सब कोई काम कर देवलन जा सिंचाई हो जो कुआं बा एक ही बखत होला सब कोई जितना सिंचाई एक ही बखत ये बहुत अच्छा बा ऐसे बहुत हमनी के चर्चा करते जा भाईचारा है जा जो परिवार में बा लोग जो भाई बहन मिलजुल के रहे लन जा और जब मिलजुल के रहा कैसे देखा थे जा सब कोई हाथ बटावे लन जा भाई बहन रोपाई कैसे बाप रलन कैसे बोलन जा मकई रोपत लन जा लोग मूँगफली रोपत लन जा 3 बीघा में ऐसे पर हमने नहीं बोले जा एक ही माटी पर ई कलम जब हम सकब नीला लिख दे नीला शब्द लिख दे सकब लाल शब्द लिख दे सकब पियर शब्द लिख दे पर एक ही माटी में उन लोग कौन चीज करे लन जा अनेक तरह के रोपाई अनेक तरह के देख ली जा मिर्च रहल बैगन रहल चारों ओर देख ली जा ऐसे तब वृक्ष बा कोको मिलल हमने के पिए के भी मिलल प्रकृति के ओर कैसे नेचर हो जो कोको नारियल के पानी पी ली तब उतर बहुत सेहत खातिर अच्छा बा आम के गाछी बा ऐसे अनेक तरह के गाछी बा पर हौ एगो नौजवान बातचीत करलन हमने जो बेटावन कविश उ शेफ पहाड़ के अलावन साउथ अफ्रीका से होने अथी लास्विस कर रहा तो अब उ स्विस जाके साउथ अफ्रीका में उ का बोललक बोललक है सब हमनी के जोन हमनी के जोन हर्ब्स है जोन पत्ता है जो देखत हुआ वो मारे बा हमनी के जीते बा होने करी पत्ता बा पर अब कौन चीज़ ज़्यादा पर चर्चा होता हमें देखा था जा प्यासी प्यासी फ्रीजे बा होने हमनी के जोन जोन प्रकार चीज जोन हर्ब्स इस्तेमाल कर जैसे लाके जो आए 50 साल से बा बाजिलिक बा ये सब अब हमनी के कौन चीज में हमनी के जोन रसोई में इस्तेमाल होला बोलन ना वो अभी हम भैया ठहरा हैं है सुगंध देवता है जोन सुगंधित होता था पहला चीज हमने जब तरकारी जब हाउ शेफ तैयार करेला वेस्टों में तुम्हार रसोई में हो कहीं भी हो तो हाउ जो सुगंधित है पहला चीज कैसे बोलेला हमने के आचीरे करेला हमने के आरोमा मिलेला तब हाउ जब खाना में डाल देवेलन जा सजा देवेलन जा तो ऊ तो एवान है फर्स्ट क्लास जो खाना बन जाला जो शेफ ढेर से शेफ बाहर से आलवाना तो ये अच्छा है ना बाहर से अगर हमने के इनोवेशन आए नयापन आए तब ना हमने के जो पर्यटक लोग आए हमने के आपके हमली जो है जामोरिशन लोग तब ना हमने अच्छा चीज़ खाप सा और शेफ बोलन बेटा कविश वो जो तुहर सेहत खातिर हो जो डाइजेशन तुहर पेट में चल जाला ये सब हमने के सेहत खातिर अच्छा एगो सजावे लन जा सुगंधित है आरोमा देवेला पर हमने के सेहत के लिए अच्छा है सब अपन अपन प्रकार के कैसे आगे पेट हमने के खराब हो जाता है कौन सी पुदीना पाना पी ले जा उबाल के पी ले जा हमने के पेट अच्छा हो जाता तो वही ना हर बोले रही ना हमने के चाहना प्रकृति के ओर जाके नेचर के ओर जाके तो उ लोगे हो जो माटी बा माटी ही में जो रोपाई करत हो जा खाद डालत हो जा पर हौ बोलनी चारों ओर उ लोग के कौन चीज रहा उ लोग के अच्छा अच्छा जो वृक्ष रहा उ लोग अरबी ने रख ले हो जा बाप रखले रहन कैसे कश्या के गाँछी हौ विषय के गाँछी देख ली जा पर अनेक तरह के हमने देखी ला जा चारों ओर मॉरिशस पे जाप जा ऐसे गोफे ही बोली ला जा बड़बड़ के गाँछी बा हमने के तुलसी के गाँछी बा रोमारे बा ये सब अच्छा है रिपेलेंट था जोन बुरा हमने के जोन कीड़ा है उन लोग के भगावे लन जा कोई आगमन करेला कैसे हमने के छह आगमन करके ना जो मधुमक्खी बा जो सीएफ बा जो अच्छा काम करेला ये सब हमने के कैसे बोले ला क्रॉस पोलिनेशन पोलिनेशन करे लन जा ये सब के हमने के चाहेला तो हमने के हरदम बोले जा तोहर आंगन में रही तोहर छत पर रही तोहर जो खेत में रही ऐसे खुला मैदान में रही ये भी है जा हाइड्रोपोनिक्स देख बा हो बोलनी ना धतूरा डाल देबा भीतर और बाहर कौन चीज के आगमन करेला जो व्हाइट फ्लाई है ऊपर चला हुआ तब हमने उतना पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल कर जा हरदम बोलिए जा जो रासायनिक पदार्थ पेस्टिसाइड इस्तेमाल वो अच्छा नहीं है हमने के सेहत खातिर तो यही खातिर हमने हरदम सोचे के छाला प्रकृति के ओर जाके जो हमने के कीड़ा बा कीटाणु बा
जोन हमनी के नाश करेला, हमनी के जोन खेत बा, जोन हमनी के फल बा, फूल बा, हमनी के कोनो पत्ता के देखब जा उ नाश करेला, तो हमनी के अच्छा अच्छा कैसे बोलेला जा प्रिदाते नेचुरल, हमनी के कोक्सिनेल बा, हमनी के ऐसे लेसुइंग बा, सीएफई बा, ये सब अच्छा काम करेला है। तो यही खातिर हरदम बोलती जा कहीं भी रहो चारों ओर जो है सब वृक्ष रही गोफे रही हम बोले रहनी कोलिए सिपाही रही छोड़ दिया एक दू गो दरी छोड़ दिया वो अच्छा है। वो तो कैसे बोले जेने नहीं करी वो तोहर खातिर अच्छा रही और कम पेस्टिसाइड दर बात तोहर खातिर छा देखे के जोन किसान लोग जोन हमें कम करवा जोन पेस्टिसाइड इस्तेमाल करे लन जा उ लोग के पहला सेहत अच्छा रही। कम पेस्टिसाइड है में इस्तेमाल करब हमनी के जोन ग्राहक बा जो अभी सुनत हुआ जे बा खाई खैब अभी शुक्रवार के दिन बा तो कम पेस्टिसाइड नहीं नहीं तो कुछ भी नहीं रही जीरो पेस्टिसाइड चाहना नहीं मिली एको रेजिजी नहीं मिली। तो यही पर हम बोलती हमनी के फागे बहुत हमनी के प्रशिक्षण देवत है जा है बायो फार्मिंग में कैसे सकेला तुहर खेत में तुहर आंगन में तुहर छत में हाइड्रोपोनिक्स में कैसे सकेले हमनी कम से कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल या ऑर्गेनिक पर जा ऑर्गेनिक कैसे बोली हमनी के जोन जोन हमनी के संस्था बा बहुत अच्छा काम करत हो जा तो ये सब जो जहाँ जहाँ प्रशिक्षण हो चाहेला हमनी के जाए के और हमनी के लाभ उठाए के। तो यही बोलती और ऐसे देखा था जा ना है जाता देखा था जा एफ्रेम बा है जा उतन में है जा आज उतन में क्यूपिप में हमनी के जोन रिसर्च स्टेशन बा है सब नया नया हमनी टेक्नोलॉजी नया बनावत है जा है तुहर घर पर डाल देबा देखा तो कितना चीज सकब जा रोपे एक गो दू गो तीन गो नहीं चार गो पाँच गो ये सब रोपते जाइया कितना अनेक तरह विभिन्न प्रकार के तोरा कैसे हर्ब्स देबिस मिल सकेला अपन घर पर और ताज़ा खाइब और है में है जा कुछ पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल हो तो यही अपन सेहत के देखा सकब जा जोन परिवार बा जोन पड़ोसी बा उन लोग के बाँट के सकब जा दे तो सब कोई के भलाई रही सब कोई भी इतना ही फागे हमनी सरकार बहुत से ग्रांट देवत है जा कोई खोजी ऐसा हमनी के स्ट्रक्चर बनाए के कैसे देखा तो जाए वो साधारण बा सकब जा शेल्टर्ड फार्मिंग पर आई और जोन जोन उपकरण बा हो जाए देख लीजिए अभी बोली ना सिंचाई खरीदते चाहे ना हो जाए एगो कुआँ बा तो उन लोग के चाहे ना एगो मोटर हो सब जोन पाइप बा सब पानी चाहे ना भेजाए के ना तो उस सब पर ग्रांट है 50% 50% सरकार तोरा ग्रांट देवता 100,000 अगर वो रही 50,000 तोरा घुमा दे हो जोन मोटर बा हो जोन ऐसे चलाए के माटी आगे कौन चीज इस्तेमाल फुर्सत डाल जा सब नहीं अब तक उपकरण हो गल बा मशीन बा वावतीला वो भी ग्रांट मिला था 50%। तो यही हम बोलती सब हमने के जोन किसान बा सब से लाभ उठाए के अभी और नयापन अभी एक सप्ताह के बाद देखबा जा हो जोन चीज़ हम बतलाव जा यही प्रोग्राम है कैसे बोले माटी के मोल भोजपुरी चैनल बा हमनी के देखते रह जा सुनते रह जा और हम बोलीला कैसे सकब जा और तू लोग प्रचार करे कैसे अब है जोन प्रोग्राम बा अब कौन चीज पर डला जाता इंटरनेट पर बा हम के वेबसाइट पर अब कहाँ डला जाता अब यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब पर चल जाइबा है प्रोग्राम मिला था आर कोई जानी नहीं जा शुक्रगार के चल गए कहूँ परिवार या शादी हो जाला गीत गवाई में चल गए पर है प्रोग्राम लॉक कर दिया ताकि तू ही जो शुक्रवार बीत गल शनिवार के सकब जा सवेरे देखे वो भी नहीं देखला तो MBC के वेबसाइट पर चल जाए या यूट्यूब पर तो सब कोई की बलाई है जोन बोलत है जा ये बहुत अच्छा चीज बा बाँटा जा जोन परिवार बा बाहर में जोन जोन बसल जो फ्रांस में ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में सभी हमनी के जोन मॉरिशन बसल चाहना जाने के हमनी के कैसन अच्छा अच्छा काम करे हम बोली ना बाहर से और कोई खोजा था आई के है जा पूंजी निवेश करे के तो पूंजी निवेश कैसे करब जा जब बोलब जा हमनी के कौन कौन चीज नयापन इनोवेशन आते जा और कैसे हमनी के सरकार सहायता देवता फागे हरदम बोलीला प्रशिक्षण देते आवत है जा ते ही बोलती हमनी के हरदम सुनते रहिए जा देखते रहिए जा हमनी फागे जो स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड बा MCIA बा सरकार बा होने नापो बा सब हमनी काम करत है जा सबके भलाई में। तो यही पहला चीज़ हमनी के जे सेहत अच्छा रही अच्छा चीज़ खाब जा सुगंधित खाब जा हमनी के अच्छा प
पकवान में हमने के जो नौजवान में और कोई नहीं खोजे लन जा है सब पकवान खाए के है वो मागे जाने ला ढेर जना अभी देखा तो जना बतनेत बा रोपाई होता बाहर से भी आवता हो जे ग्रिल कर दे भाई वो मागे डाल देवे तो उसे हम का बोलब तू खाइते रह जाइए तो ये सब नया नया चीज जो बतनेत सकेला और कोई नहीं खात हो तो वो है वो मागे को डाल देला हो जो ग्रिल में ओवन में डाल देला वो तो के वो अपन कैसे बोले उंगली खा ले बा तो ये हरदम छ ऐसे है तो बोली पता और कहीं बोले हौजाबुका जे तनि पगल हौ में हमने के एगो प्यासी डाल दिला हौ टमाटर डाल दिला हौ तनि सुन लहसुन डाल दिला तो ऊ त एवान है ऐसे सब कोई बोले कैसे पकल नहीं खाब जा अथी पकल में कौन चीज डाल और कोई चीनी ना लेना जा तो चीनी और कोई डायबिटीज से नहीं खा ले जा तो वो कहीं कहे छ हमने कैसे बोला प्रकृति की ओर जाला हो जाबुका बा है सब जितना बा इस सब से हमने के जो पकवान बा हमने के छाना अच्छा अच्छा चीज़ दे के खाए के और हमने के छाना बतलाए के तो यही प्रोग्राम देखते रहिए इस सब नयापन इनोवेशन हम हरदम अंति रहब जा। तो दर्शक लोग यहाँ समाप्त होता माति की मूल प्रोग्राम में बुधू और मुखराम परिवार के बहुत धन्यवाद बताए जा कि हमने के बोलेलन जा और हमने यहाँ से बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर देने जा तब बहुत धन्यवाद इन लोग के फिर मिलब जा हमने के देखते रहिए माति के मोल हमने की ओर से नमस्ते।